आज 7 मार्च को जन औषधि दिवस है। इस मौके पर पीएम मोदी ने देश भर में संचालित प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्र के संचालकों और लाभार्थियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि जन औषधि दिवस सिर्फ एक योजना को सेलिब्रेट करने का दिन नहीं, बल्कि उन करोड़ों भारतीयों और उनके परिवारों के साथ जुड़ने का दिन है, जिन्हें इस योजना से बहुत राहत मिली है। हम सभी भारतवासियों के लिए 4 सूत्रों पर काम कर रहे हैं और पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना इसी की अहम कड़ी है। मुझे संतोष है कि अब तक 6,000 से अधिक जन औषधि केंद्र पूरे देश में खोले जा चुके हैं। आज हर महीने 1 करोड़ से अधिक परिवार इन जन औषधि केंद्र के माध्यम से सस्ती दवाइयां लेकर लाभ उठा रहे हैं। पीएम मोदी ने विश्व में फैल रहे कोरोना वायरस का भी जिक्र किया और कहा कि मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे कोरोना वायरस की अफवाहों से दूर रहें। आशंका होने पर डॉक्टरी सलाह जरूर लें और हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते कर अभिवादन करने की आदत डालें। पूरी दुनिया यही आदत डाल रही है। इस दौरान पीएम मोदी ने उत्तराखंड की एक लकवा पीड़िता से भी बातचीत की। उत्तराखंड की लकवा पीड़िता दीपा शाह ने बताया कि 2011 में उसे लकवा हो गया था। इलाज में काफी खर्च आ रहा था, इस कारण घर चलाना भी मुश्किल हो रहा था। लकवे की वजह से वह बोल भी नहीं पाती थी, लेकिन पीएम जन औषधि परियोजना से कम पैसे में दवाइयों के इस्तेमाल से अब काफी फर्क है। दीपा ने कहा कि मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन मोदी जी मेरे लिए ईश्वर का रूप है। ये बातें सुनकर दीपा शाह के साथ मोदी जी भी भावुक नजर आए। डीआईडी न्यूज की खास रिपोर्ट।